आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। और इस वर्ष की जो पहली मीटिंग हम कर रहे हैं, और ये 11th क्लास है, क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो थोड़ा पढ़ने में और बहुत सारी जो बाकी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते और डरते भी हैं, और थोड़ी सी आदतें भी इनकी पहले जैसी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने इनको हटानी है। इसलिए मैंने ये मीटिंग रखी है, और हम हर महीने जो लास्ट सैटरडे होगा हर महीने, वहाँ पे हम मीटिंग किया करेंगे। हाँ आर्यन, तो अनम्यूट हो जाओ। हाँ यस सर, जी, नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि ये आर्यन जो है, इसको कोई दिक्कत आ रही स्कूल में? ठीक बताइए। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक ही चल रहा है। है। फिलहाल तो घर में कितनी देर जो पढ़ाई कर रहा है? घर में 2-3 घंटे भी करता है, इसके ज्यादा नहीं। ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने नॉन मेडिकल रखा है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ ये रखना ही है। इसको रख के आगे का जो सफर है बड़ा मुश्किल है। तो धीरे जी जी धीरे जी क्या करेंगे, स्लोली स्लोली अगर हम पढ़ना, जो हमारा टाइम है पढ़ने का, उसको बढ़ाना है, ताकि जी सर, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ना आए। और क्योंकि 11th क्लास है तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट नए हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, तो बच्चों का थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस होता है। और कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जो पुरानी हैं अप टू 10th, तो जी वो भी यहाँ पे रिपीट होती है और बच्चों को उसके बारे में पता भी नहीं होता। तो टीचर यहाँ जरूर बताते हैं वो पुराना वाला भी जो टॉपिक रिलेटेड होता है। तो बच्चों को चाहिए कि वो जो इस वक्त टीचर रिपीट कर रहा है पुराने वाला सिलेबस इनका, जो ये पढ़ चुके हैं अप टू 10th तक, तो उसके भी नोट्स बनाएं और वो उसको अलग से स्टडी करें, ताकि इनको जो ठीक दिक्कत है वो ठीक हो। तो जी बच्चे जी कहते हैं क्या कि ये पढ़ नहीं रहे, कम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है ये बच्चे थोड़ा टाल मटोल कर रहे हैं, सर आज नहीं कल कर लेंगे। तो ये सभी पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये आप अपने दिमाग से बच्चे निकाल दें कि हम ये कहेंगे कल, कल के ऊपर कुछ नहीं टालना है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो रोज का काम रोज करना है, और एक्सक्यूज कोई नहीं है, मतलब कोई बहाना नहीं है। और जी दूसरा सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है मुझे, छुट्टी, बच्चे अपनी मर्जी से छुट्टी कर ले रहे हैं। तो बच्चों ने छुट्टी नहीं करनी है। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। छुट्टी तभी करेगा अगर उसको बड़ी इमरजेंसी है, कोई बीमार हो गया जी बच्चा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई घर में, तब छुट्टी करे। उसके लिए भी वो मुझे मैसेज आना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से कि सर हमारा बच्चा आज इस वजह से नहीं आ रहा। अपनी मर्जी से जी कुछ नहीं करना, क्योंकि ये बच्चे मैंने देखा, बहुत सारे बच्चों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं, फिर तीसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जी हाँ, ये सभी पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है। और बाकी दूसरा पेरेंट्स से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप बेझिझक जब मर्जी मुझसे बात करें, प्रधानाचार्य जी से बात करें, आपके बच्चे की कोई भी समस्या होगी तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे वो हल होगी। ओके और सर, आपसे मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं काइंडली सभी अपने मेरे ख्याल से अगर कैमरा ऑन कर लें तो उनसे ऐसा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी, और हमने कैसा ये सारा साल प्रोग्राम चलाना है, कैसे हमने पढ़ना है पढ़ाना है, तो ये भी पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चे घर में कुछ बोलते हैं, स्कूल में कुछ बोलते हैं, तो ये बीच में गड़बड़ करते हैं। तो पेरेंट्स को पूरा पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं स्कूल में। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, तो जैसे ही एक हर मंथ के लास्ट में एक मंथली टेस्ट होगा बच्चों का, हर जब मंथ खत्म हो जाएगा, उस मंथ में जितना भी टॉपिक हुआ होगा उस टॉपिक का एक मंथली टेस्ट होगा। तो आप कृपया जरूर चेक करें कि बाकी टेस्ट हुआ है। कई बार अभी तीन टेस्ट हुए हैं, क्या आपके बच्चों ने आपको बताया कि मैथ में तीन टेस्ट हो चुके हैं हमारे, जी और उसमें एक टेस्ट मेरे ख्याल से दो टेस्ट थे ऑफलाइन और एक था ऑनलाइन।
तो जो ऑफलाइन था, क्या बच्चों ने आपसे सिग्नेचर करवाए हैं? करवाए सब ने करवाए हैं? थे कोई ऐसा तो नहीं है कि करवाए बच्चे ने, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे ने टेस्ट दिया है और उसके नंबर कितने हैं नहीं पता, और वो खुद ही साइन करके ले आया हो? ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा बच्चा? नहीं सर, करवाए थे साइन ना। हाँ, तो ये है कि बाकी भी देखो, मेरा ऑनलाइन करवाने का, मीटिंग करवाने का ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जा तो जॉब करते हैं, जा कहीं अपने बिजनेस की वजह से वो स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करें और आपका बच्चा क्या कर रहा है। इसलिए जो हमारे, जो आपके साथ ये मीटिंग करने का मेरा मकसद है। इसके अलावा आपने, पेरेंट्स ने अपने बच्चे का, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैथ का, उसको देखते रहना है, एक दो दिन में उसमें चेक करते रहना है कि मैंने क्या क्या मैसेज डाले हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक गूगल क्लासरूम बनाया गया है बच्चों का। गूगल क्लासरूम क्या होता है कि एक ऐप है जो आपके बच्चे ने अपने मोबाइल पे डाउनलोड करनी है, उसको मैंने अपने साथ एक गूगल क्लासरूम बनाया, उसमें वो ज्वाइन करेगा क्लास। मैं क्या करता हूँ कि जो हमने कल पढ़ाई करनी है, जो कल हमने पढ़ना, मैंने आज उसका एक वीडियो बच्चों को शेयर करना होता है, बच्चे ने वो वीडियो देख के आना है, उसको समझना है, फिर दूसरे दिन मैं उसी वीडियो के ऊपर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। वो क्या होता है कि दूसरा, दो काम हो गए, पहले घर से ही पढ़कर आया बच्चा, उसको अच्छी तरह देख के, मेरा ही वीडियो है, वो मेरा ही यूट्यूब चैनल है, उसी पे वीडियो बने हुए हैं, उसी टॉपिक पे, वही मैं बच्चों को शेयर करता हूँ। बच्चों को सिंपली उस वीडियो को देखना है, समझना है, फिर अगले कल जब क्लास लगेगी तो मैं उस वीडियो के ऊपर ही जो टॉपिक हो वही पढ़ाऊंगा, और बच्चे उस वक्त मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि हमने देखा था, आप ही पढ़ा रहे, समझ नहीं आ रहा उसको, बार बार आप बताओ तो मैं बताऊँ। हमने 5 ग्रुप बना रखे हैं, यस पांच पांच उसमें बच्चे हैं, तो ध्रुव थापा जो है वो अब एक ग्रुप का लीडर है, तो मैं इसकी पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो, ये बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन ये पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं रहा। तो ये देखिए जी, आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं, रिजल्ट शेयर हो रहा है जी। इसमें नंदिनी के 12 नंबर हैं, निखिल के 8, जतिन के 0, लक्ष्य 9, नवदीप 5 और नमित चौधरी एबसेंट था, आर्यन के ये जो 11। येलो वाले आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये इनको और मेहनत करने की जरूरत है, और जिनके रेड हैं तो ये फेल है बच्चे, और जो ग्रीन है वो आउटस्टैंडिंग है। तो ग्रीन बच्चा एक ही है मेरे पास, देवांशु कौशल, और दूसरा है अवंती का। दो बच्चों के नंबर जो है वो ग्रीन में है, 75 से ओबव है। अभी कृष्णा, आज का काम कर लिया? कितने सर मार्क्स आए थे आपके टेस्ट में? जी, वो उसमें 2 थे सर तो अगले टेस्ट में कितने आएंगे? जी, फुल। वेरी गुड। तो तैयारी करनी है, फुल बोलने से नहीं होगा, रोज का काम करना पड़ेगा, कम से कम 3 घंटे रोज मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो 3 घंटे रोज यस सर, मैथ पड़ेगा। ठीक यस सर, है, बहुत अच्छे। ये कितनी देर पढ़ाई करता है अनमोल? थोड़ी बहुत देर पढ़ता है सर, बाकी बाहर घूमता रहता। तो ये मैं स्कूल में 5 बजे तक हाँ बैठाऊंगा, जी, हो गया, तो तो ये नेक्स्ट मंथ में हम दोबारा मिलेंगे। इस बीच में अगर कोई दिक्कत है तो आप जब मर्जी मुझे मैसेज करिए, ठीक है जी। तो कृपया बच्चों को बैठाएं और रोज पूछे क्या पढ़ रहे हैं वो। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।